हैवरी वन स्वागत है आपका सीयूटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके सामने मैंशन का इस टाइप के क्वेश्चन सी यू टी यू जी जी टी में आपसे क्वांट में पूछे गए थे तो उस टाइप के मैं क्वेश्चन का सेट आपके सामने लेके आई हूँ देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय टेन परसेंट एंड द ब्रिथ डिक्रीज बाय टेन परसेंट दैन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई हंड्रेड ये फॉर्मूला टू क्वांटिटी पे लगेगा यानी कि अगर टू क्वांटिटी का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रखा है तो उस पर ही आपकी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल उस पर ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ठीक है तो ध्यान दे ध्यान दीजिएगा अब देखिए जब जब क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में लेनी है अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो वैल्यू माइनस में लेनी है तो यहाँ पे देखिएगा आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो क्या होता है एल इंटू बी तो यहाँ पे देखिए लेंथ जो है वो टेन परसेंट इंक्रीज हो रही है यानी कि प्लस में हमें लेना है और ब्रिथ जो है वो टेन परसेंट हो रही है तो ब्रिथ को हमें क्या लेना है माइनस में लेना है ठीक है प्लस टेन माइनस टेन और यहाँ पे प्लस टेन एंड मल्टीप्लीकेशन में माइनस का टेन डिवाइड बाई हंड्रेड ठीक है वन जीरो से वन जीरो कटी तो ये माइनस का ये प्लस का माइनस कट गया और यहाँ पे माइनस का था तो माइनस का वन मिला माइनस का मतलब क्या है डिक्रीमेंट यानी कि जो एरिया है उसमें क्या हुआ वन परसेंट का क्या हुआ डिक्रीमेंट हुआ तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे यहाँ पे देखिए डिक्रीज बाय वन परसेंट एरिया जो है होगा वो वन परसेंट से डिक्रीज हो जाएगा या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व कर सकते हो सबसे इजी तरीका यही है बाकी एक्चुअल मेथड है उससे आप कैसे कर सकते हो देखिएगा पहले हम मानते हैं कि जो लेंथ है ये पहले वाला एरिया और ये बाद वाला एरिया पहले हम लेंथ एंड ब्रिथ ठीक है पहले लेंथ 100 थी उसके बाद 10% परसेंट इंक्रीज हो गई तो 100 से कितनी हो जाएगी 110 ठीक है 100 का 10% परसेंट कितना होता है 10 फिर उसमें 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 निकल के आएगा ठीक है ऐसे 10% परसेंट डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे था 100 और उसका 10% परसेंट डिक्रीमेंट यानी 100 का 10% परसेंट कितना हो गया 10% परसेंट और 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 तो पहले अब यहाँ से वन जीरो से वन जीरो, वन जीरो से वन जीरो कर मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो यहाँ पे, पे मिलेगा हमें हंड्रेड और यहाँ पे मिलेगा नाइनटी नाइन पहले जो एरिया था वो था वो कितना हंड्रेड अब कितना हो गया है नाइन्टी नाइन तो आपको नजर आ रहा होगा कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हमें परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालना है ठीक है तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा हंड्रेड से नाइनटी नाइन हुआ यानी कि क्या हुआ डिक्रीमेंट ठीक है वैल्यू कम हुई है तो क्या हुआ डिक्रीमेंट कितना वन ठीक है वन डिक्रीमेंट हुआ किस पे पहले कितना था हंड्रेड तो जितना पहले था वो हमें नीचे लिखना है अब हमें परसेंटेज में निकालनी है इसलिए हमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा तो हंड्रेड से हंड्रेड कर गया तो यहाँ पे वन परसेंट क्या होगा यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ ठीक है तो आंसर क्या है क्या होगा यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ठीक है अब देखो सी यू टी यूजी दो में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे देखिएगा क्या क्वेश्चन था इफ़ each sides ऑफ ए क्यूब इज़ reduced बाई फिफ्टी परसेंट द area एरिया विल रिड्यूस बाई ठीक है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्यूब का जो सरफेस एरिया वो क्या होता है ठीक है अभी उसने टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला है इसलिए सिक्स ए स्क्वायर नहीं होगा सरफेस एरिया बोला है इसलिए ए स्क्वायर होगा ठीक है पहले हम फॉर्मूले से करें तो देखिएगा हर साइड्स में 50% परसेंट को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है तो ए बी यानी कि ए स्क्वायर है यानी कि दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी 50 परसेंट डिक्रीमेंट 50 परसेंट डिक्रीमेंट तो ए की वैल्यू माइनस फिफ्टी बी की वैल्यू भी माइनस फिफ्टी तो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा देखिएगा वन जीरो से वन जीरो कट गई ठीक है यहाँ पे माइनस की माइनस का हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव यानी कि माइनस का सेवेंटी फाइव परसेंट यानी कि 75% क्या होगा यहाँ पे डिक्रीमेंट ठीक है माइनस का मतलब क्या होता है डिक्रीमेंट तो 75% यहां पे डिक्रीमेंट होगा तो कौन सा ऑप्शन सही है और उसने क्वेश्चन में यही बोला है कि रिड्यूस रिड्यूज कितना रिड्यूस हो जाएगा तो सेवेंटी पे 75% उसका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा ठीक है अब देखिएगा और कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे देखिएगा पहले यहाँ पे देखिएगा पहले वाला एरिया उसके बाद बाद वाला एरिया ए ए तो पहले पहले कितना था 100 अब हो गया 50 परसेंट रिड्यूस यानी कि 100 का 50 परसेंट फिफ्टी यानी 100 में से 50 माइनस करेंगे रिड्यूस हो रहा है तो फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 ऐसे ही यहाँ पे 100 का वापस से 50 ठीक है ए स्क्वायर होता है ना इसलिए हमने दो बार लिखा है वन जीरो से वन जीरो कटी वन जीरो से वन जीरो कटी से टू बार कटेगा फाइव टेन से टू बार कटेगा टू इंटू टू फोर हो गया ठीक है और यहाँ पे वन ठीक है तो पहले एरिया था फोर अब हो गया है वन ठीक है पहले फोर था अब वन हो गया है यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीमेंट आपको नज़र आ रहा है पहले ज़्यादा वैल्यू थी अब कम हो गई है तो आपको डिक्रीमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डिफरेंस कितने का है थ्री का तो ऊपर लिखो थ्री और पहले जो एरिया था वो हमें लिखना है नीचे यानी कि क्या आ जाएगा फोर इन हंड्रेड तो फिर हम यहाँ पे इसको 25 से काटेंगे तो यहाँ पे 75 परसेंट क्या हो रहा है डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें यहाँ से नजर आ जाएगा तो वही इससे भी वही आंसर आ रहा है 75 परसेंट क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है ठीक है नेक्स्ट इस टाइप के और क्वेश्चन देखिएगा द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इन इंक्रीज बाई फिफ्टीन परसेंट एंड द रेडियस ऑफ इट बेस इज डिक्रीज बाई टेन परसेंट दें द परसेंटेज चेंज इन द कर्ड सर्फेस एरिया ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कर्ड सर्फेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का टू पाई आर एच यानी कि एक आर आएगा और एक एच आएगा ठीक है अगर वॉल्यूम की बात करता तो फिर हमें रेडियस को दो बार लेना पड़ता बट वो उसने किसकी बात की है यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया की जो कि होता है टू पाई आर एच यानी कि हमें एक बार ही लिखनी है रेडियस और हाइट को भी एक बार ही लिखना है ठीक है कर्ड सर्फेस एरिया तो मैं यहाँ पे ए और एट लिख देती हूँ तो पहले हंड्रेड था उसके बाद क्या होगा इंक्रीमेंट हुआ किसमें रेडियस में सॉरी यहाँ पे उसने पहले हाइट ली है उसके बाद रेडियस लिए ठीक है थीके? तो यहाँ पे आ, आप भी पहले क्या ले लो हाइट ले लो उसके बाद रेडियस ले लेना ठीक है तो हाइट में क्या क्या बोला उसने हाइट जो है है वो 15 से इंक्रीज इंक्रीज हो increase हो गई है. तो पहले हंड्रेड हम मान के चल रहे थे उसमें फिफ्टीन परसेंट का इंक्रीमेंट यानी कि हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट कितना होगा फिफ्टीन और हंड्रेड में फिफ्टीन जोड़ोगे तो वन वन फाइव ठीक है और उसके बाद बोला रेडियस जो है वो डिक्रीज हो गई है किससे टेन परसेंट से तो यहाँ पे हंड्रेड था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइनटी अब उसके बाद देखिएगा वन जीरो से वन जीरो वन जीरो कटी ठीक है टू पाई आर एच हमें निकालना है यानी कि हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो यहाँ पे वन थाउजेंड मिलेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा वन जीरो थ्री फाइव ठीक है अब हमें देखना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ कितना डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे देखो पहले जो आ, एरिया था वो था वन थाउजेंड अब हो गया है वन थाउजेंड थर्टी फाइव यानी कि क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना मिला आपको थर्टी फाइव ठीक है अब पहले कितना था एरिया वन थाउजेंड परसेंटेज में निकालना है इसलिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा थ्री पॉइंट फाइव परसेंट क्या हो रहा है इंक्रीमेंट ठीक है वैल्यू कम से ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा इंक्रीमेंट तो यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव परसेंट इंक्रीमेंट होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है ठीक है फॉर्मूले से आप कैसे कर सकते थे देखिएगा फॉर्मूले से आप कैसे कर सकते थे ए बी ए यहाँ पे कितना हो गया फिफ्टीन ठीक है इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस में और रेडियस जो है डिक्रीज हो रही है तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का टेन ठीक है तो यहाँ पे फिफ्टीन इंटू टेन ठीक है प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया डिवाइड बाई हंड्रेड यानी कि फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव तो थ्री पॉइंट फाइव ठीक है प्लस में आई ये वैल्यू यानी कि क्या होगा इंक्रीमेंट ठीक है अगर माइनस में आती है तो डिक्रीमेंट तो प्लस में आया है तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ईच साइड्स ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाई टेन परसेंट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाई अब ध्यान देना कि इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटी नहीं है नहीं, आपके पास तीन क्वांटिटी है क्योंकि क्यूब जो होता है वो क्या होता है मतलब वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो क्या होता है ए क्यूब तो यहाँ पे आपके पास तीन क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी इसलिए आप जो एक्चुअल मेथड है वो ही यूज करोगे तो यहाँ पे देखिएगा ए ए हमें तीन बार लेना है वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू ठीक है तो क्या हो रहा है जो उसकी साइड से उसमें टेन परसेंट का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट यानी कि पहले थी हंड्रेड तो अब होगी वन वन ज़ीरो ठीक है ये प्रोसेस हमें तीन बार रिपीट करना होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है एक क्यूब ठीक है वन जीरो से वन ज़ीरो वन जीरो से वन ज़ीरो वन ज़ीरो से वन जीरो तो पहले अब एक क्यूब होता है वॉल्यूम तो हमें इनको तीनों को क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे देखिएगा वन थाउजेंड एंड यहाँ पे हो जाएगा थ्री ठीक है इलेवन का क्यूब क्या होता है वन थ्री थ्री वन ठीक है डिफरेंस आपको मिला थर्टी थ्री थ्री वन ठीक है थ्री थ्री वन एंड पहले वॉल्यूम था वन थाउजेंड इसके बाद हमें परसेंटेज में निकालना है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा थर्टी पॉइंट वन परसेंट क्या होगा इंक्रीमेंट पहले कितना था वन थाउजेंड अब हो गया है वन थ्री थ्री वन यानी कि क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सी वाला पे करेक्ट ऑप्शन है तो ये थे सी यू टी में आए हुए क्वेश्चन के कुछ सेट्स। तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ थैंक यू सो मच